मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अहादीस विद स्टार्ट्स विद तूबा. आई लव देम तूबा, या तूबाई अहादीस. और वो भी महदवियत में तूबा का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. वेन एवर यू लिसन यू हेयर अबाउट तूबा, क्या जहन में आता है? एक हदीस अगर तूबा से शुरू हो रही है, तूबा लिस्साबिरीन. कैसे ट्रांसलेट करते हैं आप लोग तूबा को? तूबा यानी, तूबा यानी है नहीं जो तर्जुमा, वो एक्चुअल लुगवी माना है. लेकिन जब आप कहते हैं तूबा, तूबा लिमन उम्मुहु अफीफा, तूबा लिमन शगलहु अइबुहु अन उयूबिन नास, तूबा यानी खुशनसीब है, लकी है, या फॉर्चुनेट है. कितना खुशनसीब है वो शख्स, तूबा, ये तूबाई है. ठीक है, सो तूबा डेफिनेटली उसका कॉज और रूट वही शजरा तूबा है, क्योंकि शजरा तूबा तमाम खूबियों का की जड़ है, सर चश्मा है. तो इसलिए वो लुगवी माना इस्तलाह में जब कहा जाए, वाओ तूबा लक, ये तूबा लक. ये जैसे जब मौला अमीरुल मोमिनीन को नबी ने अपने कांधों पर उठाया था बुत शिकरी के लिए, तो आपने फरमाया था तूबा ली अन अअमला लिलहक. इस्लाम में खुश नसीब हूँ कि अली हक के लिए काम कर रहा है और मैंने उस हक को उठाया हुआ है. भैया तूबा लका अन तअमला लिलहक, तो हम कहते हैं तूबा लना नहनु मुहिब्बीन अली व फातिमा व हसन व हुसैन, कि हम भी कितने खुश नसीब है. तो वो खुश नसीब और लकी होना, फॉर्चुनेट होना. सो तूबा, जब भी हमारे नबी बहुत ज़्यादा ये वर्ड इस्तेमाल करते थे तूबा तूबा, तो जब तूबा की बात आती थी ना और असहाब बैठे होते थे, तो जब भी कोई किसी की तारीफ़ करनी होती तो कहते थे तूबा, कितना खुश नसीब है. लेकिन जब मुंतज़िरों की बात आती थी ना, आपकी 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 आपकी, ख़ास तौर पर आप टीनएजर्स की, तो नबी से रहा नहीं जाता था. आप कहते थे तूबा सुम्मा तूबा, तूबा सुम्मा तूबा, सुम्मा तूबा, सुम्मा तूबा, सुम्मा तूबा, 7 times. कितने खुश नसीब है, वाओ ऑसम, बहुत ही अमेजिंग लोग, कितने वो नूरानी होंगे, कितने वो प्यारे हैं, कितने, इतनी ताकीद. 7 मरतबा नबी कहते तूबा तूबा तूबा, सुम्मा तूबा, सुम्मा तूबा, यकूलहा 7 मर्रात लिमन लम यरनी व आमन बी. ये जिनका इल्म, जिनका अकीदा, जिनका ईमान अस्सवाद अलल बयाद है. सवाद यानी इंक या ब्लैक. हमारा ईमान कहाँ से है? जो कुछ हमने पेपर के ऊपर लिखा हुआ देखा उसको कहते हैं सवाद अलल बयाद, यानी कुरान, यानी हदीस, या किताब. सवाद अलल बयाज मीन्स यू नो द टेक्स्ट, जो बुक में जो मतन लिखा हुआ होता है. हमने सिवाय मतन के ज़ाहिरन अक्सरियत ने और कुछ देखा है? और कुछ नहीं देखा, मतन देखा. मतन यानी वो टेक्स्ट और अल्फाज, सही है, कुरानी अल्फाज, अहादीस के अल्फाज. इसलिए कहते हैं उनका ईमान सवाद अलल बयाज पर है. उनका ईमान यही देखा और कुछ नहीं देखा, लेकिन इतने असाबिर हैं, नहीं, इसलिए इतनी तारीफ तूबा तूबा उनके लिए कहा जा रहा है. फिर आप फरमाते थे तूबा लिमन तरक शहवतन हाजिरा लिमौइद लम यरा हो. कितने खुश नसीब है वो लोग जो वो शहवत, वो डिज़ायर जो बिल्कुल सामने है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं और उस सवाब के लिए जिसको नहीं देखा और वो कब मिलेगा भी पता नहीं है, उसके लिए इतनी उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, इतने वो पावरफुल है, कवी है. नहीं, उनकी भी तारीफ हो रही है. और फिर कहा जा रहा है तूबा लिमन वजदा फी सहीफत अमलिही यौम अल-क़यामा तहत कुल ज़म्बिन अस्तग़फिरुल्लाह. कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसके बुक ऑफ डीड्स में, नामे अमल में, अगर उससे कोई ख़ता हुई तो हर ख़ता के नीचे अस्तग़फिरुल्लाह, फौरन क्लिनजिंग, फौरन क्लीनिंग, फौरन अपने आप को पाक करने का वो बेहतरीन
जो अमल है वो उसने अंजाम दिया हो। वो बहुत खुशनसीब है जो अगर कोई ख़ता करता है तो उसके फ़ौरन तहत में, उसके नीचे ही फ़ौरन अस्तग़फिरुल्लाह के ज़रिए गिल्टी फील करता है, फ़ौरन दोबारा से उस पैटर्न पर, सिरात हक पर वापस आ जाता है। ठीक है, ख़ता होती है लेकिन ख़ता से उस ख़ता पर रहता नहीं है, ज़िद नहीं करता, स्टबन नहीं है। उसके लिए भी कहा है कि वो बहुत तौबा है। और फिर फरमाया गया है कि तौबा लिमन काना समतुहु फिक्रा, जिनकी खामोशी फुल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो खुशनसीब है। अच्छा, कभी हम चुप होते हैं लेकिन दिल चुप नहीं होता। अभी आप सब बेचारे मजबूर हैं चुप बैठे हुए, ठीक है, बोलने। अगर आपको माइक दिया जाए तो मुझसे भी अच्छा बोलेंगे और ज़्यादा भी बोलेंगे, लेकिन आप चुप हैं। लेकिन आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं, या दिल इधर उधर इधर उधर कहाँ 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 जा रहा होता है। जिस तरह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में कहते हैं ना कि नमाज के दौरान उस चिड़िया की तरह, जो अगर आप उसको एक ट्री में देखें तो वो कैसे फुदकती है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ, एक टहनी से चुछ चुछ चुछ। उसको चेर ही नहीं होता। कहते हमारी सोच भी इस तरह बेचैन मुस्तरब। तो असल जो खामोशी है वो दिल का, फिक्र का खामोश होना, फोकस्ड होना है, और उसमें बड़ा सुकून है। आप ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपकी ज़िंदगी में अगर एक एम हो, हदफ़ हो, और अभी हमारा हदफ मकसद ये है कि हमने ट्रूली महदवी बनकर ख़ुद अपने आप को अपने से प्यार करना है, अपनी खुशी को हासिल करना है। और मुहर्रमुल हराम के लिए भी हमें कहा गया है, आयतुल्लाह बहजत बहुत ताकीद करते थे कि 40 डेज बिफोर आशूर यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी टूवर्ड्स टू बिकमिंग हुसैनी, या ट्रू हुसैनी बनने के लिए, कल्ब को पाक करने के लिए और पाक अश बहाने के लिए 40 दिन पहले से तहारत का सफ़र शुरू करो। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब 40 दिन के करीब ही हमारे पास हैं और हमने इस सफ़र को आगाज़ करना है। अब आप देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में एक हदफ हो, एक मकसद हो, आप अगर ये पूरा वादा कर रही है, मैं अपने बच्चों से कह रही हूँ, माशाल्लाह मेरी बहनें और मदर्स जो है वो मुझसे भी ज़्यादा बाअमल है, कि एवरी डे 3 टाइम्स कुल हुवल्लाहु अहद, या अपने इमाम के लिए पढ़ें। और एक जो जितना आपसे हो सकता है, चलते फिरते उठते बैठते जहाँ पर भी है आप, जिस हालत में भी आप हो, अला कुल हाल हमें कहा गया, हर हालत में आप कोई ना कोई अपना एक जिक्र रखिए, फेवरेट जिक्र, ठीक है, जिससे नजफ में कुछ एरियाज में एक ज़माने में लिखा होता था, क्या आज आपने सलवात भेजा, भेजी, आज दिन में कितनी दफ़ा दुरूद भेजा, उस जगह जगह रिमाइंडर्स होते थे। जिस ज़माने में मैं वहाँ रहती थी कुछ साल पहले, तो वहाँ जगह जगह लिखा होता था आज कितनी दफ़ा दुरूद भेजा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में एक हदफ हो ना, एक मकसद हो ना, तो लोग जितनी भी बातें कर रहे हो आप बॉदर नहीं करते, क्योंकि आपको पता है यू नो टाइम नहीं है, जल्दी ही करना है। आप इधर उधर का सोचते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, यू नो जैसे घर में हेल्पर ने कुछ काम किया नहीं किया, आई डोंट नो, यू नो बच्चों से कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया, आप थोड़ा इतना फोकस हो जाते हो, खामोश हो, और आपने अपना एक बनाया हुआ एक हदफ, तो खुद ब खुद आप में एक सुकून आने लगता है, ठीक है। और जब कोई हदफ ना हो ख़ास तौर पर जिक्र करने का, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे हो, अच्छा ये यहाँ क्यों पड़ा है, वो वहाँ क्यों पड़ा है, इससे ये क्यों कह दिया, उसने वो क्यों कह दिया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और ये है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, सही है, ये स्कैटर होना माइंड का, बिखर जाना, फोकस ना होना, अपनी इतनी कीमती एनर्जी को हम मुफ्त में इधर उधर दे देते हैं, ठीक है, मुफ्त में क्या, इतनी कीमती हमारे टाइम को, एनर्जी को हम लोग उसके बदले गन खरीद लेते हैं, गन, एक कूड़ा करकट कचरा खरीद लेते हैं उसके बदले में, इतना बड़ा हम जुल्म करते हैं। सो इसलिए अब ज़रूरी है कि इंशाल्लाह हम अपनी फिक्र को जो है समत के साथ, और हमारी नज़र में इबरत हो, हमारे कलाम में जिक्र हो, इंशाअल्लाह जैसा कि हमसे तवक्को रखी गई है। अच्छा, तो इमाम असर के बारे में हमारे नबी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं, ठीक है। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि
नबी खातमुन नबीन हैं और हमारे इमाम खातमुल वसीयीन, ठीक है। हमने बहुत सुना है दोनों का अखलाक, इवन सूरत सीरत एक जैसी है, लेकिन मेरा सवाल ये है तो फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि जब इमाम आएंगे तो इमाम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ लोगों के साथ डील करेंगे? कभी मैं तन्हाई में इतना गिरिया करती हूँ ये सोचकर कि इमाम के चाहने वाले न जाने कैसे इमाम का इंतज़ार, यानी क़ुरान का इंतज़ार, इमाम आकर क़ुरानी माशरा क़ुरानी कल्चर को इंट्रोड्यूस क्या फैलाएंगे ना। क़ुरान वाहिय इलाही, हुक्म इलाही, इश्क इलाही, हम क़ुरान से दूर रहकर शरीक क़ुरान का इंतज़ार कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो ये इट्स समथिंग विच वी वर ट्रूली लुकिंग फॉर इट, कि आप मश भी कर रहे हैं, मशाइन में से भी हैं और हर कदम तिलावत के साथ भी हो रही हो। वाओ, नूर अला नूर। मैं करीमा अहले बैत के हरम के पास ही मेरा घर है, शायद आई डोंट नो बहुत ही कुछ कदम लगते हैं हरम पहुंचते हुए, तो मेरे छोटे बच्चे मैं उनसे कहती हूँ मामा जान काजिम जान आप अपने कदमों का सवाब मुझे दें, आप हरम जा रहे हो ना, आपके हर कदम पर आपको बहुत सवाब मिलेगा, हर मासूम और औलाद मासूमीन के लिए अजर है सवाब है। तो मेरा छोटा काजिम हंसते हुए कहता है कि काश मैं कैटरपिलर होता, वो हज़ार पाँव जिसके हज़ार पाँव होते और मेरे बहुत सारे पाँव होते तो मुझे हर पाँव के बदले में इतना सवाब मिलता। मेरी मामा हमेशा मेरे कदमों के बारे में बातें करती हैं, मैं उनको दोनों बेटों को अकेले भी भेजती हूँ, जाए आप लोग चाहे हर कदम का सवाब मुझे दें, ज़्यारत करके आ जाए। और जब बात करबला की आ जाए तो बात ही कुछ और है, वहाँ हमारे कदम यही कदम जो यहाँ उठ रहे हैं उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, अक्सर बेमकसद। अभी कितने लोग बेहुदा काम करने में गफलत में वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह ने हमें चुना और हम महदबियत के इस अजीम मिशन और मौजू के इस नूरानी कारवान में शामिल होते हुए हमने यहाँ रुख किया। तो यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं और आप सब मुझसे ज़्यादा बामारिफत हैं, मुहिब अहले बैत हैं, कि करबला वो सरजमीन जहाँ जाना आसान लेकिन वहाँ से आना बड़ा ही कठिन और मुश्किल है। और कुछ रवायात की रोशनी में मिलता है कि हमारी अरवाह वहाँ रह जाती है, हमारा एक अजीब इत्तेसाल वहाँ से ता क़यामत रहता ही है। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए और इंशाअल्लाह हम सिर्फ करबला के लिए नहीं हमेशा कुल यौम आशुरा होते हुए हमेशा कुरान के साए में ज़िंदगी बसर करें इंशाअल्लाह। आपसे वादा किया था कि मैं आपको आज जिस टॉपिक पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे आखिरी नबी ने आखिरी इमाम के नग़मे क़सीदे फ़वाइल न सिर्फ आखिरी इमाम के बल्कि इमाम के चाहने वालों के। अच्छा, जब मुंतज़िरों के फ़ज़ाइल हम पढ़ते हैं ना तो अक़ल दंग रह जाती है कि जब मुंतज़िर की फजीलत इतनी ज़्यादा है तो खुद इमाम का क्या मकाम होगा। जब मुंतज़िर शहदाए बद्र ओहद से बालातर है हज़ार शहीद से, मैं आपको आगे रिवायात बताऊँगी जो मासूमीन ने बताए हैं, बेशर्त हा वो शुरू तहा डेफिनेटली कुछ कंडीशंस के साथ जो ट्रू सच्चा साबिर मुंतज़िर हो तो खुद इमाम का मकाम हमारे अक्ल व तसव्वुर से यकीनन बालातर है। हमारे आखिरी नबी ने फरमाया अजबुल खल्क ईमाना, ईमान के लिहाज से जो अजब सबको हैरानगी में डाल दे वो हैं इस ज़माने के मुंतज़िर, तमाम ज़माने के लोगों से ज़्यादा अफजल हो सकते हैं। अकरम उम्मती, मेरे उम्मत की जो सबसे ज़्यादा करीम, करामत एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम में से अकरम ना अकरब करीब तरीन वो है अल्लाह से जो जितना फायस हो बा तकवा हो, नहीं इन्ना
क्या अकरमकुम, अकरम करामत एक बहुत बड़ी कहते हैं ना हम स्टेटस है, मकाम है। तो नबी ने फरमाया अकरम उम्मती, महदवी महदवियत पर यकीन रखने वाले इस अजीम विजन के साथ जिंदगी बसर करने वाले वो अकरम उम्मती है। उलाइका रफ़क़ाई, जो महदवी है वो रफीक रसूलल्लाह है, वो दोस्त रसूलल्लाह है। और फिर आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा लक्नी अखवानी, बारेलाह मुझे मेरे भाइयों से मिला। और मैं आपको दुआए अलवी बताऊंगी कल, आप असर की बहुत असर जहूर की बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे कि असर रेजहूर यानी जहूर का जो टाइम है वो यकीनन खुशियों का, सुरूर का, दुआए फरज कहते हैं ना, फरज यानी फरज किसे कहते हैं, फरज का मतलब क्या है, अज्जल फरजहुम, फरज मीन्स व्हाट, फरज जल्दी जल्दी तो अज्जल है ना, अरब कहते हैं ना अज्जल नहीं कहो, अलिफ जीम लाम यानी मौत, अजल, अज्जल यानी मौत जल्दी हो जाए, अज्जल कहो ताजील से, सो ताजील मीन्स अज्जल या अज्जल, फरज दुआए फरज तो कहते हैं ना, ज्यादा फरज यानी खुशी सुरूर फराह, वही मदद का इनडायरेक्ट मीनिंग भी हो सकता है कि परवरदिगार अहले बैत की खुशी में ताजील फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जल फरजहुम, ज़मीर पलट रही है मुहम्मद व आली मुहम्मद की तरफ, ठीक है, हुम हुम यानी वो सब के सब, उनकी खुशी, उनकी खुशी यकीनन किस में है, ज़ुहूरे इमाम असर जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ में, सो अज्जल फरजहुम इनडायरेक्ट मीनिंग है, ठीक है ना, ये कि ज़ाहिरन मीनिंग ये है कि उनकी खुशी में ताजील फरमा दे, अज्जल फरजहुम, तो फरज और खुशी जो है वो इसी में है कि आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा लक्नी अखवानी के मुझे मेरे भाइयों से मिला। तो असहाब पूछते थे ना हम आपके भाई नहीं हैं क्या, तो क्या जवाब देते थे नबी, कहते थे नहीं तुम मेरे असहाब हो, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो रफीक हैं, जो अकरम हैं, जो अजब ईमान है वो आएंगे आएंगे। अब आप देखिए ना कितना मजा आता है ना, अब इस डटे रहने पर, डिटर्मिनेशन पर, साबित कदमी पर, सब्र पर, तहम्मुल पर, चैलेंजेस को बर्दाश्त करने में एक लुत्फ है, मज़ा है, अहकाम शरीयत से मोहब्बत करने में, कुरान से लुत्फ लेने में, कि हमारे नबी ने उस वक्त से बार 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 ये खुशखबरियाँ दी। और फिर बार बार वही फरमाया कि एक साबिर आखिरी ज़माने में 50 असहाब के बराबर हो सकता है। और ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब लेकर आ सकती है कि आपने फरमाया गस्सु अबसारकुम तरौनल अजाइब, या लोअर योर गेज सो यू विल सी द वंडर्स, यू कैन सी वंडर्स अजाइब बाय व्हाट, बाय गस्सु अबसारकुम, अगर तुमने अपनी आँखों को जहाँ झुकाना है, जहाँ नीचे करनी आंखें, जो मंजर नहीं देखना, अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हें अजायब नज़र आने लग जाएंगे, एक एक अजीब करामत तुम्हारे साथ होने लगेगी। और जब से उन्होंने मुझे कहा इस वर्कशॉप में, मैं उस वक्त से हर रोज़ ज़रीह मुतहरे करीम अहले बैत बिन सलबाब अल हवाइज के पास जाकर अपने ये नोट्स बना रही थी, और बार बार मैं यही कह रही, मेरे लबों पर इतनी अजीम हस्ती का नाम, मैं इस काबिल हूँ कि महदवियत पर गुफ्तगू कर सकूँ, मैंने क्या खुद पहचाना है अपने आका को, क्या मेरे पास कोई मारिफत है, नूर है, कोई कनेक्शन है, कोई इत्तेसाल है, कोई नूर होगा तो वो नूर मुंतकिल होगा, या करीम अहले बैत या मरियम आले मोहम्मद, आप ख़ुद मेरी मदद फरमाएँ कि मेरी ज़बान से वो बातें निकले जो इंशाअल्लाह इन मोमिनात के दिलों पे जाकर बैठे, और वो दिल इतने मुनव्वर और मुतहर हो
कि इमाम अस का कल्ब मसरूर हो जाए, आपका दिल जो है वो खुशहाल हो जाए आपकी तहारत की वजह से इंशाअल्लाह। सो एक लास्ट टाइम भी जो हमने गुफ्तगू की थी, याद है हमारा मोचो, हमारा स्लोगन था आई थिंक क्या था, पाक दिल पाक मोबाइल या पाक स्क्रीन। स्क्रीन जितनी पाक होगी हमारी, दिल उतना ही पाक होगा। आज भी हमारे नबी ने बार बार कहा कि देखो तुम लोग तुबाई हो, आई हैव सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कंपेयर टू अदर यू नो पीपल ऑफ इम्मास टाइम। उनसे मुकायसा करें तो तुमसे मुझे तूबा सेवन टाइम्स ज़्यादा तवक्को है, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी है, वो इस्तेदाद है, इसलिए नबी हमसे ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं। हम उस मुश्किलात में, कठिन हालात में हम पक चुके हैं, हम पुख्ता हैं बनिस्बत दूसरे अकवाम के। दूसरी कौम एक कच्ची इन दैट सेंस कि उन्होंने इतनी मुश्किल नहीं देखी ना, जो जितना यू नो ज़्यादा वेट उठाए, मसल्स उतने ज़्यादा टाइट यू नो, वो और वेट उठा सकता है। जिसने कुछ एक्सरसाइज की हो वो और, लेकिन जो पहली दफ़ा कर रहा वो उतना ज़्यादा नहीं उठा सकता। सो हम आखिरी ज़माने में इन दैट सेंस के हमारे पर बहुत सी आजमाइशें आ रही हैं, आती रहेंगी, इससे भी ज़्यादा आएंगी, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमारा इमाम तागूस अहले जन्नत है, हमारे इमाम का दिन सैयदुल अय्याम है, हमारे इमाम के मकाम को देखकर हजरत मूसा ने रश किया, गिबता किया। रश कैसे किया कि जैसे ही मकाम महदवी को देखा जन्नत में, कहा कि या रब मैं कलीमुल्लाह हूँ, लेकिन ये मकाम क्या मुझे मिल सकता है? कहा नहीं, ये नूर, ये मकाम, ये अजमत अलैह जलाबी बिन नूर, ये आखिरी नबी के आखिरी वसी का है। ऐसा मकाम, ऐसे इमाम के हम अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाले हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर ये इनकरेजमेंट पाते हैं और हमारे अंदर ये रूह, ये स्पिरिट, ये जज्बा आता है कि हम कर सकते हैं, हम बहुत सी तब्दीलियां ला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अहम एक चीज़ जो है वो अपनी इंशाअल्लाह आँखों पे कंट्रोल करना है, ठीक है, आँखों को गुनाहों से बचाना। वसु अबसारकुम तरौनल अजाइब, सब मिलके पढ़ेंगे, वसु अबसारकुम, अबसार बसीरत से, ठीक है। वो जो सूरह नूर में है ना, قل للمؤمنين يغضوا من أبصاركم يا يقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, قرآن میں مشہور آیت ہے, پہلے مردوں سے کہا پھر خواتین سے کہا, جو حجاب والی آیت ہے سورہ نور کی, تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ غضوا, وہی الفاظ ہے, غضوا أبصاركم ترون العجائب. اور ہمارے پاس بہت سی کہانیاں, بہت سی داستان, بہت سے رول ماڈلز ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعضاء بدن کو جب کنٹرول کیا, اس پر قابو پایا, تو رب نے بہت سے دوسرے دروازے ان کے لیے کھول دیے. کم گفتگو کرنا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی گفتگو کی تھی اس پر, اور انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ وہ دعا اس پر گفتگو کروں گی جو خود دعائے مہدی امام عصر ہے, کہ خود مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے دعا مانگو, اور اس میں جس انداز سے ہمارے سارے آرگنز اور اعضاء بدن جو کہ چینلز ہیں, وسیلہ ہیں اس قلب تک پہنچنے کے لیے, ان سب کو کتنا حسین منور مولا سجا رہے ہیں.